क्वेश्चन है, इकोनॉमिक फिलॉसफी और पंजाबी का कॉम्बिनेशन बेस्ट कौन सा होगा? यहाँ पर लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स फिलॉसफी और पंजाबी, पंजाबी इलेक्टिव है उसको मान के चल रहा हूँ। तो 13 सोशल साइंसेज जो NCTE की हैं उसमें इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी दोनों हैं, उसके बेस पर आपका SST बन रहा है। तो SST और इलेक्टिव पंजाबी के साथ आपका पंजाबी बन रहा है, SST पंजाबी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन आगे चल के आपको एक प्रॉब्लम है, अगर आप सेंट्रल बोर्ड में जाना चाहते हैं तो सेंट्रल बोर्ड क्या कहता है कि वो 13 में से जो NCT ने दी हुई हैं ऑप्शन सोशल साइंस की, वो 13 में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी इसमें से एक पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप CBSE या सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं जाना चाहते तो आपके लिए आप एलिजिबल हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन यही बनता है। अगर उसके लिए भी एलिजिबल बनना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में नेचुरली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एडिशनल नहीं दे पाओगे, हिस्ट्री का एडिशनल देना होगा। लेकिन ये अभी सोचिए मत, बिल्कुल आप ठीक हैं, 3 साल आपने पढ़े हैं, बिल्कुल इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, यस TGT के लिए आप एलिजिबल बन रहे हैं, SST और उसके लिए। अगर आप PGT के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो तो आपको जहाँ MA इकोनॉमिक्स, ये पोस्ट ग्रेजुएशन MA इकोनॉमिक्स, जहाँ MA पंजाबी ये करनी होगी। MA फिलॉसफी का आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसकी पोस्ट जो है स्कूल लेक्चरर की नहीं निकलती। तो एडिशनल आपको और कोई नहीं देना पड़ रहा, यहाँ तक BEd करने के बाद अगर ये करना चाहते हो तो आप सोच सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन सभी में है और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल बन रहे हो, पंजाब गवर्नमेंट के लिए, सेंटर के लिए नहीं। तो अभी आपका मेजर सब्जेक्ट जो है SST आपने फिल करना है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।